दोनों हाथ हिला दो, सामने 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 हो जाओ, फ्रंट, या बाय, या दे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं नया ब्लॉग और मैं आ गया हूँ स्टूडियो पे। सो यहाँ पे चल रहा है कंटिन्यू वर्क, सो बच्चे लोग कर रहे हैं अपना अपना काम। यहाँ पे वन मोर है टैटू की अपॉइंटमेंट, जो कि बनाने वाले हैं सर के हाथ पे एक पोर्ट्रेट टैटू। और ये जो टैटू है ये है सर के फादर का पोर्ट्रेट, जो कि हम उनके हाथ पे बनाने वाले हैं। कहाँ से हैं सर आप? आष्टा से। आष्टा से, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, तो आज बनाने का कोई खास रीजन सर? सर वैसे टाइम आ गया, आज टाइम मिला तो आज बन रहा है टैटू। तो ये है पोर्ट्रेट टैटू। और भी अपॉइंटमेंट्स है जो कि यहाँ पे बच्ची भी है और रेमा भाई भी है, सो वो लोग करेंगे। फिलहाल तो मैं करता हूँ टैटू ये पोर्ट्रेट। और अगर हमें टाइम मिला तो आज हम जाने वाले हैं बेड लेने, क्योंकि अक्की भाई ने तो तोड़ दिया है, स्टूडियो में बेड नहीं है, तो अब बेड तो लाना ही पड़ेगा। अक्की भाई साथ में जाएगा भी, साथ में जाएगा, पैसा भी तो दे, बस साथ में ही जाएगा वस्तु। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दो दिन के ब्रेक के बाद मैं स्टूडियो वापस आ गया हूँ। स्टूडियो में रेगुलर वर्किंग चल रही है और सर बना रहे हैं इधर एक पोर्ट्रेट। सो सर काय का पोर्ट्रेट है आज? भाई बना रहा हूँ मैं सर के फादर का पोर्ट्रेट है भाई, ऑलमोस्ट डन होने वाला, थोड़ा सा काम बचा हुआ। सो पोर्ट्रेट बन रहा है कंटिन्यू और इधर स्टूडियो में रेगुलर वर्किंग, सारे बच्चे लोग काम कर रहे हैं और इधर हमारा बेड टूट गया है। सर ये बेड किसने तोड़ा? अब ये बेड किसने टूटा तोड़ा है जाके पूछ अक्की और मार्शल से, किसने तोड़ा। क्यों भाई तुम दोनों ने तोड़ा क्या? तो मार्शल भाई तुमने बैठ तोड़ा कि अक्की भाई तुमने? दोनों ने उस पर कुश्ती कर रहे थे क्या तुम दोनों? अरे नहीं, मैं कुछ थोड़ा मस्ती में हमने ले लिया था, तो धक्का दे दिया था गलती से, तो मैं इंकी बोतल देने गया, ये तो नहीं मैं लगाऊंगा, सिस्टम में लगाऊंगा, इतना मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गया। तो अब नया बेड लाना है, तुम दोनों भरपाई करोगे। तो ये अपना मार्शल भाई है, बाकी बेड तो ये नया दिला ही रहा है, बाकी हर बात पे रोता है। तो देखो नया बेड तो दिला दे, उसके बाद रोए तो भी चलेगा। सो गाइस फाइनली कंप्लीट हो गया अपने सर का टैटू। सर ने अपने फोरआर्म पे बनाया अपने फादर का पोर्ट्रेट टैटू। सो आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट, और उन्होंने उसके नीचे लिखा है उनका नाम विथ एक लिखा है डेट। सो ये है फाइनल लुक। तो सर कैसा लगा टैटू आपको? हैप्पी है ना सर आप? खुश? थैंक यू सो मच सर। गाइस स्टूडियो में कंटिन्यू टैटू चल रहे थे, तो आज हम जाने वाले थे बेड लेने, बट वो आज नहीं जा पाए। उसका रीज़न है कि फ्री नहीं हो पाए और अभी भी नाइट में कंटिन्यू है टैटू। सो वन टैटू जो है, एक टैटू बना रहा है आयुष भाई एंड सेकंड टैटू बनाने वाले हैं यहाँ पे मैम का। सो मैम का टैटू बनाएगा आयुष भाई। सो मैम कहाँ से हैं आप? प्रॉपर भोपाल से? क्या करते हैं? प्रॉपर कहाँ से? लखनऊ से। सो भोपाल कैसे आना हुआ? भोपाल में जॉब करते हैं। ओके, सो यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला मैम? इंस्टाग्राम के थ्रू। मेरे फ्रेंड ने भी बताया। ओके, सो यहाँ पे वन मोर टैटू जो बना रहे हैं आयुष भाई, तो सर का है टैटू। सर आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली बिहार से हूँ। ओके, फिर आज यहाँ पे कैसे आना हुआ सर? फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, भोपाल घूमने आया तो देखा करवाते टैटू। ओके, तो सर का टैटू है जो आयुष भाई कर रहा है ट्रेसिंग, बट सर का टैटू करूंगा मैं और मैम का करेगा आयुष भाई। यहाँ पे अक्की भाई कुछ संघर्ष कर रहा है मशीन के साथ। क्या कर रहा है? निडल लगा रहा हूँ, निडल कि भाई कर रहे हैं निडल लोड। तो यहाँ पे करते हैं हम टैटू स्टार्ट और थोड़ी देर में दोनों टैटू हो जाएंगे कंप्लीट। सो हे गाइस, सारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, दो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं जो कि भैया और सर कर रहे हैं। हम लोग आज बेड लेने जाने वाले थे, मगर आज कंटिन्यू टैटू ही टैटू थे,
तो उसमें लग गया। मैम को यहाँ पे लेटना पड़ रहा है इसलिए मैंने ज्यादा शूट लिया ताकि था। मैम जो आप जहाँ पे लेटे ना वो मेरी गलती की वजह से लेटी है और उसकी गलती की वजह से जो वो डांस कर रहा है इनको डांस करने की पड़ी है। बाकी मैगी बना रहा है एक और बार, भूख लगने लगी हम लोगों को। क्या हुआ मैम, पेन वगैरह कैसा है? बहुत ज्यादा है। अरे कौन बना रहा है, इनके हाथ से पेन नहीं होता। उस्ताद जी हमारे स्टूडियो के, वो जैसे मैंने सोचा था कि होगा उतना नहीं हो रहा है। उतना नहीं हो रहा है, लाइट है कोई देखता नहीं, अंधेरा हो जाएगा। बाकी सर का, सर आपको पेन वगैरह कैंडी क्रश खेल रहा है। पेन तो नहीं हो रहा बट नॉर्मल है। ठीक, सो गाइस हम लोग फाइनली ला चुके हैं मैगी और सब लोग घुसे हुए हैं अंदर ये जाने की तैयारी में। अरे भाई छोटा सा केबिन है, वो देखो भाई सब लोग मिलकर मैगी बना रहे हैं। ये हमारा इंडक्शन है, ये हमारा किचन रूम है और यही हमारा हॉल। फाइनली अभी एक छोटा सा लिया था हमने ब्रेक, और जिस ब्रेक में हमें मिल रहा है मैगी खाने, और ये भाई बनाई है मैगी अक्की भाई ने। नहीं, मैंने बनाई। तो बनाई है मैगी माइक भाई ने, थोड़ा सा नमक कम है। अरे बेकार है अगर निकने बनाई तो बेकार है। यहाँ पे सर लोग भी खा रहे हैं मैगी, आई भाई भी खा रहे हैं मैगी, और हम लोग हर दिन हो रहे हैं लेट। बाकी यहाँ की पलटन खा रही, तो अभी मैगी खाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं टाटू। थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए तो हम घर टाइम पे पहुंच पाएंगे। सो गाइस फाइनली मैम का टैटू कंप्लीट हो चुका है और टैटू बनाया है आयुष भैया ने। मैम ने अपने नेक पे फ्लावर टैटू बनवाया है जो कि बड़ा ब्यूटीफुल बनाया, बड़ा फाइन है। सो मैम कैसा लगा आपको टाटू? बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आके कैसा लगा? यहाँ पे आके भी अच्छा लगा मुझे, ज्यादा पेन नहीं हुआ। हाँ? लाइट हैंड था और काफी अच्छा फिनिशिंग आया। ओके थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अपने सर का टैटू हो गया है फाइनली कंप्लीट, और सर ने अपने बैक पे टैटू बनाया। सो मैं दिखाता हूँ आपको सर के बैक पे जो टैटू है वो। सो ये रहा फाइनल रिजल्ट। सो ये एक ब्यूटीफुल सा सिंबल है जो कि सर ने अपने बैक पे बनाया है। तो सर कैसा लगा आपको ये टैटू? काफी ब्यूटीफुल लगा टैटू, और इसके साथ साथ लगाने के बाद लगा काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है। अरे डिफरेंट आर्ट लगवाया जो कि काम के बाद फील हुआ कि बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल सर, आप हैप्पी हैं ना यहाँ पे आके? काफी। और सर काम करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, क्या बोलते हैं सर, थर्ड वेव आएगी? बिल्कुल नहीं, भरोसा नहीं करना इस पे। अपना सेफ्टी लीजिए, मास्क लगाएं, दो कदम की दूरी रखें, बस। ओके सर, मास्क से जरूरी दो गज की दूरी। सो गाइस फाइनली हो गए हैं सर का टैटू खत्म, मैम का भी टैटू। सो मैम का टैटू बनाया था आयुष भाई ने जो कि जा चुका है घर, टाइम थोड़ा लेट हो गया है, और सर का टैटू मैंने बनाया। सर कैसा लगा आप दोनों का लास्ट रिव्यू? परफेक्ट। मैम आपका? वेरी वेरी मच सर्टिफाइड। ओके ठीक है। सो मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा, और आज हम जाने वाले थे बेड लेने, शायद तुझे याद होगा। पता था मगर ज्यादा काम का लोड थोड़ा ज्यादा रहा, तो अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं घर। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।